मलाइका अरोड़ा और कटरीना कैफ एक दूसरे को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करती। मलाइका अरोड़ा कटरीना के नाम से चिढ़ती हैं, तो कटरीना को मलाइका का नाम सुनते ही बुखार आने लगता है। पर भला क्यों? किस वजह से बॉलीवुड की ये दो सुपर हॉट हीरोइन कभी साथ में नजर नहीं आती, जबकि दोनों के बीच तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है भाई सलमान खान का। और कौन, मजेदार जानकारी है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखेगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई लगे हाथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और घंटी वाले बटन को दबाने के साथ साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर लीजिए। तो चलिए अब बताते हैं बॉलीवुड की इन दो हीरोइंस की उस कैट फाइट का पूरा किस्सा, जिसे इन दोनों हीरोइंस ने तो अपने मुंह से कभी नहीं कहा, मगर इनके करीबी दोस्तों का कहना है कि ना तो ये दोनों हीरोइन एक दूसरे को पसंद करती हैं और ना ही कभी फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज हैं कि ये साथ में नजर आए। दोनों की कैट फाइट की वजह है सल्लू मियां। जी हाँ, यहाँ भी दोनों के बीच सलमान खान का नाम और हाथ दोनों है, मगर कैसे, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा है। दरअसल बात उस वक्त की है जब मलाइका अरोड़ा हुआ करती थी सलमान खान की भाभी और उनके भाई अरबाज खान की पत्नी। उस वक्त आइटम नंबर में मलाइका अरोड़ा का नाम था, जहां देखो मलाइका छाई होती थी। और उसी वक्त कटरीना कैफ ने सलमान खान के कंधों का सहारा लेकर बॉलीवुड में अपने कदम जमाने शुरू कर दिए थे। सलमान खान की हर फिल्म में कटरीना ही कटरीना नजर आती थी, और जिस फिल्म में सलमान नहीं भी होते थे, सलमान अपनी पोजीशन और दोस्ती के दम पर कटरीना को बड़ी से बड़ी फिल्म दिलवा दिया करते थे। बस फिर क्या, सलमान खान की दोस्ती के वजह से कटरीना मैडम कम टाइम में बन गई बॉलीवुड की टॉप हीरोइन। हर बड़ी फिल्म और हर बड़े एक्टर के साथ कटरीना ही काम करती थी। सलमान खान की करीबी दोस्त होने की वजह से कटरीना का सलमान खान के घर पर हर दिन आना जाना लगा रहता था। सलमान खान के घर की हर पार्टीज में कटरीना शामिल होती थी। ऐसे में एक दिन सलमान खान के घर में एक थी पार्टी, जिसमें मलाइका और कटरीना दोनों का हुआ था आमना सामना। पार्टी की शुरुआत में तो सब सही था, मगर बात उस वक्त खराब होने लग गई जब मलाइका के सामने किसी करीबी ने कटरीना की तारीफ करनी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, मलाइका को कटरीना की तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई और वो फौरन सबके सामने बोल पड़ी कि भाई आजकल तो विदेशों से लोग इंडिया आकर इंडियन गेटअप लेकर लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और फिल्में करने लग जाते हैं। बस फिर क्या था, कटरीना ने भी मलाइका को तपाक से जवाब दिया। क्या जवाब दिया होगा कटरीना ने मलाइका को, ये जानने के लिए आप एक्साइटेड तो जरूर होंगे, मगर जवाब जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लगे हाथ लाइक का बटन भी दबा दीजिए। बाकी आपको घंटी वाले बटन का तो पता ही है कि उस बटन को भी दबाना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब बताते हैं आपको वो जवाब जो कटरीना ने मलाइका को दिया था और जिसे सुनने के बाद मलाइका की तो बोलती ही बंद हो गई थी। कटरीना ने भी पार्टी में सबके सामने मलाइका की तरफ इशारा करते हुए कहा, इंडिया में भी कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो विदेशों के फैशन और हॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटीज के कपड़ों की कॉपी करते हैं और उन्हें इंडिया में लोगों के बीच इस तरह दिखाते हैं जैसे उनका खुद का स्टाइल हो। बस फिर क्या, पार्टी में सभी लोगों को पता था कि ये काम तो मलाइका अरोड़ा ही करती हैं, जो स्टाइल और फैशन के बारे में नए नए अपडेट्स देती हैं और अपने फैंस के बीच बहुत पॉपुलर हैं। सबके सामने कटरीना के कमेंट को मलाइका बर्दाश्त नहीं कर पाई और तभी से दोनों के बीच बोलचाल बंद है। यहाँ तक कि अब तो दोनों के बीच से सलमान खान का भी कॉमन कनेक्शन लगभग खत्म हो चुका है। कटरीना ने सलमान को दूल्हा बनाने के बजाय विकी कौशल को दूल्हा बना डाला। तो दूसरी तरफ मलाइका अरोड़ा भी अरबाज खान से तलाक लेकर अब मलाइका अरोड़ा खान से दोबारा से मलाइका अरोड़ा बन चुकी हैं और अर्जुन कपूर के साथ जिंदगी के मजे ले रही हैं। इन शॉर्ट दोनों हॉट हीरोइंस की जिंदगियां अब पूरी तरह से बदल चुकी है, मगर कुछ नहीं बदला तो वो है दोनों के बीच कैट फाइट और रिश्ते की कड़वाहट, जिसके चलते सालों बाद भी ये दोनों कभी साथ में नजर नहीं आती। और इसी बात पर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और RR Cineplex की बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें।
क्योंकि वहां आपको मिलेगा बॉलीवुड और बॉलीवुड स्टार्स की इनसाइड स्टोरीज का वो पिटारा जिससे आप अनजान है, जो आपको कहीं और नहीं सिर्फ आरआर सिनेप्लेक्स देने वाला है। इनसाइड स्टोरीज जानी है तो आरआर सिनेप्लेक्स को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।